सीतापुर जेल में शिवपाल यादव ने की आजम खान से मुलाकात। करीब सवा घंटे तक चली मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बाहर निकलकर बोले शिवपाल, सीएम योगी के सामने रखेंगे आजम की पीड़ा। सीतापुर जेल में आजम खान और शिवपाल यादव की मुलाकात पर बोले सपा अध्यक्ष ओपी राजभर, कहा अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है शिवपाल, आने वाले वक्त में सब फिर एक मंच पर आएंगे नजर। वाराणसी में सीएम योगी और मॉरिशस के पीएम की बैठक। सीएम योगी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ के बीच द्विपक्षीय वार्ता। यूपी के विकास अन्य मसलों पर दोनों नेताओं में हुई बातचीत। बैठक में यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हुई शामिल। एबीपी गंगा की मुहिम का बड़ा असर, गाजियाबाद के स्कूल पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 756 स्कूल बसेस को किया गया ब्लैकलिस्ट। गाजियाबाद में बच्चे की मौत के विरोध में सड़क जाम करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंस्पेक्टर अनिता चौहान ने दर्ज कराया केस। पुलिस के कार्रवाई न करने से नाराज लोगों ने लगाया धज्जा। सीतापुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोकशी की वारदात को अंजाम देने जा रहा आरोपी हारून हुआ घायल। हारून का साथी मौके से फरार। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। आईएफएस किशन चंद के खिलाफ महाभियोग चलाने की दी इजाजत। लखीमपुर हिंसा आरोपी आशीष मिश्रा आज कर सकता है सरेंडर। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी आशीष की जमानत। पंचायत उपचुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने कसी कमर। सीएम धामी की घेराबंदी के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। लखनऊ में महिलाओं की समस्याओं के निपटारे के लिए चलाया गया विशेष अभियान। महिला समस्या निराकरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद एसआरएल डायग्नोस्टिक सेंटर में आग लगने के बाद हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। कानपुर में असलहा लाइसेंस में फर्जीवाड़े के मामले में करीब एसआईटी जांच पूरी हो गई। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने गंगधाड़ी गांव में ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटाया। बरेली में स्मैक तस्कर साइबर ठग के दो मकानों पर बाबा का बुलडोजर चला। दोनों आरोपियों पर करोड़ों की काली संपत्ति बनाने का है आरोप। रायबरेली में बड़ा सड़क हादसा, हादसे में दो की मौत। बांदा बहराइच रोड पर ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर। अयोध्या में भी सामने आया बड़ा सड़क हादसा, बारात से लौट रही कार नहर में गिरी। कार में सवार तीन युवकों की मौत। कानपुर में नाली खोदने को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसी युवक ने बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या की। सीएम योगी के आदेश के बाद गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर प्रशासन ने भी उठाया बड़ा कदम। परिसर तक सीमित की गई मंदिर लाउडस्पीकर की आवाज। सीएम योगी ने दिया था लाउडस्पीकर की आवाज सीमित करने का आदेश। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में जारी जंगलों में आग का कहर। महिला समूह बीती रात से कर रही है आग बुझाने की कोशिश। मेरठ में गो तस्कर बंजारा भाइयों के शव के लिए शव को किया गया सुपुर्द खाक। शव फलवादा, लोगों ने हंगामा किया। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी प्रशासन ने कसी कमर। नोडल अधिकारी की डीएम ने की नियुक्ति। उत्तरकाशी में गुलदार के आतंक से दहशत में लोग, गेहूं के खेत में घूमते दिखे दो गुलदार। श्रीनगर गढ़वाल के जंगलों में लगी आग से इलाके में मचा हड़कंप। कई दिनों से शांत होने का नाम नहीं रही रही ये आग। वाराणसी के संकट मोचन संगीत समारोह में अनूप जलोटा ने